हे गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है कपलिंग। जैसे कि हम पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइन को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि हम ये पढ़ चुके हैं कि कोहेजन कैसे होता है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, तो हमारे नेक्स्ट एनालाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन को एनालाइज करने का जो टॉपिक है वो होता है कपलिंग। बाय द हेल्प ऑफ कपलिंग हम कैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन को एनालाइज करते हैं और कपलिंग क्या है और टाइप ऑफ कपलिंग क्या है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि कपलिंग क्या है। कपलिंग क्या होती है? कपलिंग हमारी एक ऐसी मैनेजमेंट होती है जो कि मॉड्यूल के बीच की इंटरडिपेंडेबिलिटी के लेवल को बताती है। इट मींस जो हमारी कपलिंग होती है वो एक टाइप ऑफ मेजरमेंट होती है जो कि हमारे मॉड्यूल के बीच की इंटरडिपेंडेबिलिटी की लेवल को डिफाइन करती है। ठीक, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि हमारा जो कपलिंग होता है वो एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि ये डिफाइन करता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट एक दूसरे से किस प्रकार डिपेंड है और एक दूसरे को किस प्रकार इंटरैक्ट करते हैं। ठीक, देन इसके बाद सबसे मेन ये टॉपिक होता है कि जितनी कम हमारी कपलिंग होगी, मॉड्यूल्स के बीच कपलिंग जितनी ज़्यादा कम होगी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा हमारा। देन ये हो जाता है हमारा कपलिंग होता है। देन अब देखते हैं कि टाइप ऑफ कपलिंग क्या होती है। तो कपलिंग जो होती है हमारे 6 टाइप्स की होती हैं। ठीक, क्या आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग क्या होती है हमारे 6 टाइप्स की होती हैं। पहले क्या होती है हमारी कंटेंट कपलिंग, ठीक। सेकंड होती है हमारी कॉमन कपलिंग, थर्ड होती है हमारी एक्सटर्नल कपलिंग, फोर्थ होती है हमारी कंट्रोल कपलिंग, फिफ्थ हमारी होती है स्टैम्प कपलिंग, एंड लास्ट होती है हमारी डाटा कपलिंग। ठीक, तो ये जाते हैं हमारे 6 टाइप ऑफ कपलिंग। तो पहला क्या होता है हमारा कंटेंट कपलिंग। तो कंटेंट कपलिंग में क्या होता है, ये सी कंटेंट कपलिंग जो होता है हमारे सबसे अप लेवल की कपलिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल के इंटरनल प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इट मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल ए हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है एंड बी हमारा सेकंड मॉड्यूल है। ठीक, तो ए जो मॉड्यूल है वो बी के इंटरनल प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। इट मींस अगर बी मॉड्यूल में कोई भी चेंजेस होंगे, बी के मॉड्यूल में हम कोई भी चेंजेस करेंगे, ठीक, कुछ भी एक्स्ट्रा या उसमें ऑर्डिनरी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ए पे है ए मॉड्यूल में उसका इफेक्ट दिख जाएगा। इट मींस अगर हम बी में किसी भी टाइप का चेंज करते हैं तो ए में भी ऑटोमेटिकली वो चेंज आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा कंटेंट कपलिंग। ठीक, देन हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, कॉमन कपलिंग। तो कॉमन कपलिंग में क्या होता है कि इसे हम ग्लोबल कपलिंग भी कहते हैं। ठीक, ये तब होता है कि जब ग्लोबल डाटा को दो मॉड्यूल के द्वारा शेयर किया जाता है, तब हमारी जो कॉमन कपलिंग होती है वो उस टाइम पे वहाँ पे प्रोसीड होती है, मतलब हेल्ड होती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी चेंज ग्लोबल डाटा में कोई भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो दोनों मॉड्यूल है उसमें जो है वो चेंज आ जाएगा। इट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो जाएगा ग्लोबल डाटा, डाटा इसको दो मॉड्यूल ने शेयर किया है, ठीक, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी। अगर इस ग्लोबल डाटा में हम कोई भी चेंज करते हैं तो ए एंड बी में भी वो चेंज दिखने लगेगा। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा कॉमन कपलिंग। थर्ड क्या होती है, एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग तब होती है ये जब एक्सटर्नल डाटा फॉर्मेट और प्रोटोटाइप को दो मॉड्यूल के द्वारा शेयर किया जाता है, तो उस टाइम पे जो है हमारा वो एक्सटर्नल कपलिंग जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक, देन आता है हमारा कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग में क्या होती है, कंट्रोल कपलिंग तब होती है इसमें एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के फ्लो को कंट्रोल करता है और एक डाटा को एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में भेजता है। ठीक, कंट्रोल कपलिंग जैसे नाम से समझ आ रहा है कंट्रोल करना, तो इसमें एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है और डाटा को एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में भेजता रहता है। ठीक, देन हमारा फिफ्थ क्या होता है, स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है,
है कि इसमें जो है मॉड्यूल्स एक सेम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं और उसके जो है अलग अलग टाइप्स के जो है पार्ट्स पर वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टैम कपलिंग में जो हमारा मॉड्यूल होता है बहुत सारे सेम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं और उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट्स पर वर्क करते हैं। इट मीन्स किसी एक पार्ट पर वर्क नहीं करते हैं, उसके उस डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे पार्ट डिवाइड कर देते हैं और हर कोई अपना अलग अलग पार्ट ले लेता है और उस पार्ट पर वर्क करता है। देन हमारा क्या रहता है, डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग क्या होती है, डेटा कपलिंग उस टाइम पर होती है जब हमें ये पता हो कि जो हम डाटा शेयर करेंगे वो उन्हीं के बीच में रह जाएगी। डेटा कपलिंग दो मॉड्यूल्स के बीच डेटा कपलिंग तब होगी जब वो डाटा जो है वो उन्हीं दोनों के बीच में रह जाएगी। ठीक, इट मीन्स अगर ए एंड बी दो मॉड्यूल है, इसके बीच में हमें डेटा को शेयर करना है, तो ये तब डेटा कपलिंग तब होगी कि जब वो डाटा जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में रह जाएगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है हमारा, डेटा कपलिंग। तो जो हमारा टॉपिक होता है कपलिंग का और टाइप्स ऑफ कपलिंग का वहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को पूरा देखें और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।